नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विज्ञान घर में। आज हम प्रेजेंट करेंगे जेएनयू लाइफ साइंस 2019 के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस। द क्वेश्चन मस्ट बी वंडरिंग, एक और चैनल क्यों? तो हम आपको क्लियर करें कि आपको भी पता है कि आपने जब आप ढूंढ रहे होंगे इनके आंसर्स, तो आपको देखा होगा कि कई सारे आंसर्स जो हैं, जो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया या मार्केट में, वो गलत होते हैं। द रूट प्रॉब्लम इज कि उनके सॉल्यूशंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो करेक्ट ना होने की वजह से, आइदर दे आर एब्सेंट और उनके या एक्सप्लेनेशन ढंग से ना होने की वजह से जनरली सॉल्यूशंस गलत होने की लिबर्टी मिल जाती है। स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली हो सकता है, इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी एग्जाम्स के, आपको जिसके भी चाहिए, उनको हम आपके सॉल्यूशंस के साथ विद एक्सप्लेनेशन दें विद ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। आप सबने बहुत प्यार दिया है हमारे फर्स्ट वीडियो को, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो बेल आइकन तो दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का पहले से नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। जेएनयू बड़ा ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सब जाना चाहते हैं यहाँ पे, पिछले कई टाइम से न्यूज में भी था, पॉलिटिक्स अपार्ट, बट इंस्टीट्यूट तो अच्छा ही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसका के ग्लोबल रैंक के तौर पे लिया जाता है इंडिया के अंदर। मास्टर्स में चार कोर्स आपको ऑफर करता है, एमएससी बायोटेक, एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज, एमएससी लाइफ साइंसेज एंड एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन। एमएससी बायोटेक को अगर आप ध्यान से देखें, एमएससी बायोटेक का जो एग्जाम्स है वो अभी रिसेंटली उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो बदल गई है, तो अभी एग्जाम गेट के थ्रू हो रहा है, जबकि बाकी के तीन एग्जाम जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम्स खुद कंडक्ट करता है। 2019 में जब जेएनयू ने अपने क्वेश्चन पेपर्स को रन किया था तो एक क्वांटम शिफ्ट आया था। पहली बार जेएनयू ने ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, तो ऑब्वियसली जो पैटर्न है जो पेपर्स का, उसमें भी कई चेंजेस आए थे, कई बच्चों को उसके बारे में नहीं पता होता है। और याद रखिए 2020 का आने वाला एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड में आने वाला है, तो ऑब्वियसली उसका जो पैटर्न है, जो उसका स्केलेटन है, वो भी डिफरेंट होगा। स्केलेटन पुराना वाला ही रखा गया था, यानी पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही एमसीक्यूज थे, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर डिफरेंट। जहां पहले पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस होते थे, सारे कंपलसरी थे 2018 तक, पार्ट ए में अब 10 क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आज हम देखेंगे। पार्ट बी में जहां पहले 100 क्वेश्चंस होते थे एंड यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 70 आउट ऑफ देम, अब ओनली 75 क्वेश्चंस आर बीइंग गिवन, आउट ऑफ दैट यू नीड टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस। थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लेवल कम किया गया है, कई बच्चों को ये डाउट भी होता है कि अगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है तो क्या मैं जेएनयू लाइफ साइंस क्लियर कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा कोशिश ये रहेगा कि अभी फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर नहीं भी हम सॉल्व करते हैं तो हाउ मच क्वेश्चन वी कैन अटेम्प्ट, क्या मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। बट स्टिल अगर आपको उनके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें टैग करिए कमेंट बॉक्स में, हम डेफिनेटली विल रिवर्ट ऑन दैट। मार्किंग स्कीम पे आते हैं, तो पहले जहां हर क्वेश्चन का मार्क एक होता था, तो 30 क्वेश्चन प्लस 70 क्वेश्चन दैट कम्स टू 100 मार्क्स। अब पार्ट ए के क्वेश्चन जो है उनका मार्क्स एक है, पार्ट बी के जो क्वेश्चन है उनका मार्क्स 1.5 है। इंटरेस्टिंग पार्ट, लास्ट ईयर देर वॉज नो नेगेटिव मार्किंग एंड स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट आप इसको एज्यूम करके मत चलिए कि इस साल भी नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ऑफ इट। ओके, तो शुरू करते हैं पार्ट ए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डिस्क्राइब्स मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। वन ऑफ द बेसिक लॉ है मेंडेलियन जेनेटिक्स का, एंड आपको शायद पता होगा कि ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस का करेक्टरिस्टिक लॉ है। अगर कोई भी एक डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, लेट अस से एक राउंड सीड्स विच इज येलो इन कलर, अगर उसको हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं विच इज रिंकल्ड एंड वाइट इन कलर, तो एफ टू जनरेशन में जो आपके पेयर्स मिल के आएंगे 60, उन रेशियोज को हम इंडिपेंडेंटली चार पॉपुलेशन में डिवाइड कर सकते हैं। राउंड येलो जो होमोजाइगस पेरेंट के इक्विवेलेंट है, राउंड वाइट जो कि एक मिक्स है, रिंकल्ड येलो जो कि अगेन एक मिक्स है, एंड रिंकल्ड वाइट जो होमोजाइगस रिसेसिव से वन ऑफ द पेरेंट से, ये वाला। आपको पता होगा ये 16 का जो रेशियो है ये डिवाइड होता है 9:3:3:3
वन में। ये जो रेशियो है ये सजेस्ट करता है कि जो आपके होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर है या होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर है ये आपस में लिंक्ड नहीं है। ये दो जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंट अपना ऑल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सेग्रीगेट हो सकती हैं एंड एक दूसरे से लिंकेज ना होने की वजह से इनमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है करेक्टर्स के। वी नो दैट मेंडेलियंस का ये जो लॉ है इसके एक्सेप्शंस है और लिंकेजेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बट मेंडल्स के केस में ये एक लैंडमार्क लॉ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी 9:3:1। आगे चलते हैं। एंजाइमोलॉजी का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्क्राइब्ड एज अ टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम। एंजाइमोलॉजी में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टर्नओवर नंबर का बच्चे उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी से। इसमें जो फर्स्ट टर्म दी गई है KK/KM ये डिफाइन करती है कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब होता है एक एंजाइम कितना इवॉल्व हो सकता है कितना परफेक्शन तक जा सकता है। हर एंजाइम उसे एक प्रोसेस में लगा हुआ है परफेक्शन के लिए एंड दे विल कीप ऑन इवॉल्विंग टिल देयर परफेक्शन इज नॉट अचीव्ड। ऑन द कंट्ररी KK बताता है हमें कि एक एक्टिव साइट एंजाइम की कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है इन अ गिवन टाइम। टर्नओवर नंबर को हम मॉलिक्यूलर एक्टिविटी भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला जो KK है वो इक्वल होता है Vmax/ET के। ये जो तीसरी टर्म है K-1+KK इन अ रेशियो विद K1, अगर हम एक एंजाइमोलॉजी का एक बेसिक इक्वेशंस को देखें जहां पर के एंजाइम प्लस सब्सट्रेट दे मेक अ ट्रांजिशन स्टेट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें K1 फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है जो कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, K-1 बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, K2 जो एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है और इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है KK के बराबर, तो इसीलिए K2 की जगह जनरली वी यूज KK। तो अगर हम इनका ES कॉम्प्लेक्स का जो फेट होगा अगर उसको डिफाइन करें तो वो एक रेशियो बन के निकल के आता है जो कि C है और जनरली इन एंजाइमोलॉजी टर्म ये जो वैल्यू है ये इक्वल मानी जाती है KM के, माइकलिस कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम इज डिफाइंड एज KK। लेट्स सी द आंसर, करेक्ट, इट इज करेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड। इन पैनक्रियास इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन गॉल्गी बॉडीज ऑफ बीटा सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द बीटा सेल, बेसल लेमिना ऑफ द बीटा सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स ऑफ द बीटा सेल। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं दैट इज द साइट ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस। जब हम ग्लूकोज रिच डाइट खाते हैं तो ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज दैट एंटर्स इनटू द पैनक्रियाटिक बीटा सेल थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। वंस इट एंटर्स इनटू द ट्रांसपोर्टर इट्स लेवल कीप्स ऑन राइजिंग एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू इन द साइटोसोलिक कंपार्टमेंट इट हैज टू अंडरगो इनटू द क्लासिकल ग्लाइकोलिसिस। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज। किसी एक नॉर्मल एनिमल सेल्स में जो हेक्सोकाइनेज होता है उससे ये वाला हेक्सोकाइनेज व्हिच वी ऑफन कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज 4 इज डिफरेंट। नॉर्मली होता क्या है जितने भी हेक्सोकाइनेज की जो एक्टिविटी है वो एलेस्टोरिकली रेगुलेट की जाती है बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दैट मींस अगर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बन रहा है तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी डिक्रीज कर दी जाएगी। इस वाले एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है, ये हेक्सोकाइनेज 4 जो है ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट नहीं होता है। इसका मतलब जितना ग्लूकोज उतना ही आपका डाउनस्ट्रीम में ATP सिंथेसिस होगा। इस एक्सोकाइनेज को हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। सो मोर द ग्लूकोज आफ्टर अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट मोर प्रोटोज मोर ATP यू आर एक्सपेक्टिंग। इंक्रीज इन ATP कॉज इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन आउटसाइड जो कि चैनल जो आपका मेम्ब्रेन है उसका पोलराइजेशन बिहेवियर को चेंज करता है और उसकी वजह से जो आपका कैल्शियम आयन्स हैं उनका इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली हायर द ग्लूकोज मोर द ATP, मोर ATP मींस इन्फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम विल बी हाई एंड दैट विल कॉज द इन्फ्लक्स ऑफ द मोर कैल्शियम आयन इनसाइड द बीटा सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बीइंग सिग्नल्ड टू रिलीज देयर इंसुलिन। तो ऑब्वियसली
बात है, जरा दो मिनट के लिए आप पॉज करिए वीडियो और आप सोचिए कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. यस, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द बीटा सेल्स. चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. चार साइंटिस्ट के नाम है, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, रॉबर्ट कॉच, लुईस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर. चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में. एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं. खाली आंसर जानना ही हमारा मकसद नहीं है. इट शुड बी दैट स्टूडेंट शुड नो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स विद अ करेक्ट डिस्कवरी यू कैन मैच इट, मैच देम, राइट. एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो डायमेंशंस के थे और जिनको हम अब तक हमारी आईज के थ्रू, हम नेकेड आईज के थ्रू नहीं देख पाते थे, ही फर्स्ट ऑफ ऑल शोड अस अ विंडो सो दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड. जोसेफ लिस्टर, ही प्रपोज्ड दैट फिनॉल, इट हैज गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एंड दैट्स वेयर फिनॉल कैन बी यूज्ड अंडर द एंटीसेप्टिक कैटेगरी. रॉबर्ट कॉच और लुईस पाश्चर, इंटरेस्टिंगली दोनों कंटेम्प्रेरी थे, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते थे, बट दे वर द ग्रेट क्रिटिक ऑफ ईच अदर. लुईस पाश्चर वॉज द फर्स्ट वन हु एक्चुअली इवॉल्व द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. आप जनरली वैक्सीनेशन का जब भी नाम आता है तो आप सोचते हैं कि एडवर्ड जेनर का जो कॉन्सेप्ट था, उनके हिसाब से एक डिजीज का ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंज्यूम करें जो कि लेस प्रॉब्लमेटिक है, तो हम वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस ला सकते हैं. और उनके हिसाब से वो वैक्सीनेशन टर्म नहीं थी, वेरियोलेशन था. तो एडवर्ड जेनर के हिसाब से अगर हम एक लाइव ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो कि कम डेंजरस है, और अगर हम उसको लेते हैं तो चांसेस है कि हम इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हम अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे एक डेंजरस रिलेटेड पैथोजन के अगेंस्ट. वो वेरियोलेशन कॉन्सेप्ट था. लुईस पाश्चर ऑन द अदर हैंड सेड कि अगर हम जिस भी पैथोजन को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम उसका एक माइल्ड वर्जन, किल्ड वर्जन अगर लेते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं डेवलप. हमें जरूरी नहीं है कि हमें बीमार पड़ना पड़े उसके लिए, और वो एक वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट बना बाद में. लुईस पाश्चर ने जो टर्म यूज करी वैक्सीनेशन डिराइव फ्रॉम वेका, वेका मीन्स काउ, काउ पॉक्स, जिस पे एडवर्ड जेनर ने काम किया, उनके ऑनर में लुईस पाश्चर ने वो टर्म दी थी. रॉबर्ट कॉच, ही वॉज वन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन जर्मनी. And he was instrumental in discovery of anthrax and tuberculosis, the root cause of these diseases. Robert Koch has first of all discovered कि ये जो discovery, ये जो diseases हैं, ये कोई ना कोई pathogen करता है. इससे पहले, Robert Koch से पहले एक concept था among the scientific community, among the world, कि कोई भी disease है, that is an act of God. When we are doing sin, then only God put diseases to punish us. Robert Koch first of all was instrumental to told us कि नहीं, कोई भी disease का root cause कोई ना कोई pathogen होता है, कोई ना कोई organism होता है, और यहीं से आपका जो disease का जो causative organs की शुरुआत हो. Tuberculosis को Koch disease भी बोलते हैं. We suggest that the correct answer should be Robert Koch. चलते हैं आगे. Which of the following helps in the breathing of mangrove fruits? Answer आपको देख के ही पता लग जाएगा. Nematode word जब भी आता है, इसका मतलब है somehow it is related to air. आपने पढ़ा होगा birds में pneumatic bones होती हैं, जिससे कि वो air में उड़ सकें, because उनका overall weight कम हो जाता है. तो जो pneumatode word है, ये gaseous exchange के लिए use होते हैं, और mangrove plants जो होते हैं, उनके अंदर ये जो roots हैं, ये नेगेटिवली आपका जो है जियोट्रॉपिक ग्रो करती हैं. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये ऊपर की तरफ आती हैं, और जब टाइड्स चली जाती हैं तो तब ये एयर को एक्सचेंज करती हैं और लाइव टिश्यूज को एयर प्रोवाइड करती हैं. अदरवाइज प्लांट विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, इन स्वैम्पी कंडीशंस. द क्रेडिट ऑफ दिस इमेज शुड बी गोज विद ड्रीम्स टाइम. So we'll keep the credit with them. So answer C must be correct.
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉइंड द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? क्या नाम पहला आपके दिमाग में आ रहा है? चार्ल्स डार्विन? नो, चार्ल्स डार्विन बेसिकली सेड सर्वाइवल ऑफ द फिट. He was very much individualistic. He was contributing all credit to the individual. Herbert Spencer has taken this idea. He was a very much admirer of Charles Darwin. So he took that idea of this survival of fit and extended this idea to the society. As per him, her society mein, wo organism, wo population mein, wo individual dominate karte hain. सोसाइटी को जो सबसे फिट होते हैं, सबसे फिटेस्ट होते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली किसी पॉपुलेशन के फेट को डिफाइन करते हैं, हिस्ट्री लिखने में काम आते हैं. तो किसी भी सोसाइटी की हिस्ट्री, वो कैसी थी, क्या होगा, कैसी बनेगी आगे फ्यूचर में, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द बेस्ट फिट पर्सन इन दैट सोसाइटी. आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान, एक टाइम तो पूरे वर्ल्ड पे रूल किया था. इंडिया में आपके अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. तो राइट आंसर हैज टू बी हर्बर्ट स्पेंसर. चलते हैं आगे पे. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, विच मीन्स इट हैज अ ग्रीन कलर. नो, पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस होता क्या है. इन द केस ऑफ ग्रीन हाउस, आपने देखा होगा ग्रीन हाउस एक ग्रीन कलर का एक घर सा बनाया जाता है जिसमें कि हम प्लांट्स को उगाते हैं. सेम वे हमारी जो अर्थ है उसके आउटर मोस्ट पे जो एटमॉस्फेयर की कवरिंग है, वो कवरिंग जनरली जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको सेलेक्टिवली एक्स्ट्रा जो डेंजरस चीजें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है. और इससे क्या होता है कि हमारी अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बना रहता है. कई सारी ऐसी गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, जो कि इस रेडिएंट एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है उसमें से आईआर रीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बड़े आराम से. और आईआर रीजन को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, वो लोकल में टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज्यादा पॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस यानी कि क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, गैस जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवरऑल, वो बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा. आपको ध्यान रखना होगा इन गैसेस के नाम, बिकॉज पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है और पूरा का पूरा ग्रीनलैंड अब खतरे में आ चुका है. तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करिए एग्जाम्स में, और आपको इन ग्रीन हाउसेस गैसेस के नाम याद होना चाहिए. हम एक बार फिर रिपीट कर देते, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रांसफॉर्म प्लांट, विदाउट डाउट द आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस. बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉइल बैक्टीरिया है जो कि डाइकोट्स को स्पेशली इन्फेक्ट करता है. हम जितना भी आज की डेट में प्लांट बायोटेक के बारे में जानते हैं या उसके हम एडवांटेजेस ले रहे हैं मॉडिफाइड क्रॉप्स के फॉर्म में, वो सब इस बैक्टीरिया की इंस्पिरेशन है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस. व्हाट इट डज इज एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस, ये अपने अंदर से एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, उसका एक पोर्शन टीडीएनए को कंप्लीटली होस्ट जीनोम में यानी होस्ट डाइकोट सेल्स के अंदर कंप्लीटली इंटीग्रेट करा देता है. जनरली प्लांट्स में ये बहुत बड़ा दिक्कत है नॉर्मली कि कैसे प्लांट की सेल्स के अंदर ले जाके एक स्टेबल डीएनए का इंटीग्रेशन किया जाए. जेनेटिक इंजीनियर जितने भी हैं वो इस चीज को लेके बड़े पजल्ड रहते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया बड़े आराम से रिएक्शन करवाता है. इसीलिए एक ऑनररी इसको बोला जाता है नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर. इसी का एक कजन है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन्स, जो कि एक और डिजीज कराता है, बट दैट इज नॉट सो फेमस एज कंपेयर टू एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस. इट्स अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. ये क्वेश्चन जेएनयू लाइफ साइंस है, जेएनयू बायोटेक का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. जनरली एग्रोबैक्टीरियम पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, हमेशा क्वेश्चन आएंगे. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मैथ्स का एक क्वेश्चन है, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें ये एक एनालिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है. करंट एज बताई हुई है,
करंट एज फादर की जो है वो थ्राइस है यानी तीन गुना है अपने बेटे से सन से. आफ्टर 12 ईयर्स द एज ऑफ द फादर दैट इज द डबल ऑफ द एज ऑफ द सन. आपसे पूछा गया करंट एज ऑफ द फादर एंड सन. बड़ा सिंपल सा है. आप एज्यूम करिए लेट अस से एज ऑफ द सन इज करंट एज x ईयर्स, फादर की हो जाएगी 3x ऑब्वियसली. आफ्टर 12 ईयर्स सन और फादर का अगर हमें इक्वल करना है एज, ऑब्वियसली फादर की ज्यादा है दुगनी है, तो अगर हमें फादर और सन की एज को इक्वल करना है आफ्टर 12 ईयर, तो हमें फादर की एज में जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको दोनों की एज बराबर मिल जाएगी. इसे सॉल्व करिए, x की वैल्यू आएगी आपको 12 ईयर्स, तो यानी बच्चे की जो एज है वो 12 ईयर है और उसके फादर की तीन गुना होगी करंट एज, दैट वुड बी 36 ईयर. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑब्वियसली ए. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What focal length should the reading spectacles have for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 centimeter? चार ऑप्शन दिए हुए हैं. ये एक टिपिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का, और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं. जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कोशिश करेंगे कि आपको आंसर्स दें, और अगर आपको उनके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम आपको ऐसे ट्रिक्स देने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसको आराम से याद कर सकें. जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा समझते हैं. कुछ हम आपको ट्रिक्स बताते हैं वो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है. जनरली अगर आप देखें एक नॉर्मल विजन जो होता है वो क्या होता है, ये एक आई है, तो उसमें एक नॉर्मल विजन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट आफ्टर विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग. अगर 25 मीटर से ज्यादा है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट उससे अगर कम करने की कोशिश करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सी इवन इफ इट इज अ नॉर्मल विजन. इसलिए 25 सेंटीमीटर को हम जनरली नियर पॉइंट बोलते हैं. अगर इसमें कोई चेंजेस होता है कि अगर हम पास का ना देख पाए या दूर का ना देख पाए तो इट लेड टू सर्टेन डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस अगर हम दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देख पाते, पास के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख पाते हैं, यानी विजन इज करेक्ट फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स बट दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ढंग से ना देख पाए, तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोपिया. यहाँ पे शॉर्ट साइटनेस का मतलब है पास के ऑब्जेक्ट को हम आराम से देख पा रहे हैं. ऑन द कंट्ररी अगर पास के ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख पाते ढंग से और दूर के ऑब्जेक्ट्स को हमारा जो विजन है वो सही है, तो उसको डिजीज को बोलेंगे हम फार साइटेडनेस, यानी हम फार साइटेडनेस को देख पा रहे हैं, और उसका एक और अल्टरनेट नेम है हाइपरमेट्रोपिया. सो शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया. प्लीज रिवाइज करिए ये चार लाइनें, अगर आपने याद कर ली आपका 50% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया. जब भी मायोपिया होगा तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसके लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा. जब भी कॉनकेव लेंस यूज होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आएगी, जब भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आएगी. और जनरली इसमें हम एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो लेंस की जो पावर है वो जनरली हाई होती है इन द केस ऑफ मायोपिया, और लेंस की पावर लो होती है कि जब भी हाइपरमेट्रोपिया होता है. तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें जो पर्सन है वो उसका लीस्ट डिस्टेंस यानी कि नियर जो पॉइंट विजन है वो 50 सेंटीमीटर है इंस्टेड ऑफ 25, यानी कि वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है, उसका जो ये नियर पॉइंट है इट हैज बीन शिफ्टेड टू 50 सेंटीमीटर. इसका सीधा सा मतलब है ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर हैज टू बी प्लस 50. कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है तो आइदर इट शुड बी ए और आंसर शुड बी डी, यानी कि आपके 50% क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया. आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अगर हम के बारे में बात करें तो लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं वो होता है 25 पे नियर ऑब्जेक्ट, बट यहां पर जैसे कि डिजीज केस है तो हम 50 सेंटीमीटर से नीचे ये पेशेंट कभी नहीं देख पा रहा है. तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है मिनिमम, इससे कम पे तो नॉर्मलाइज भी नहीं देख पाएंगे, तो अगर 25 पे रखा है तो ये कभी भी नहीं देख पाएगा, इसके लिए मिनिमम देखने वाली चीज 50 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए.
तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना दें तो ही विल बी एबल टू सी इट. सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन टू द इमेज वुड बी 50 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज यू फ्रॉम द सेंटर पॉइंट वुड बी 25 सेंटीमीटर. ये आप शायद जानते होंगे कि जब भी डायरेक्शन जो लाइट रेज का जो इंसिडेंट लाइट्स का जो डायरेक्शन है अगर आप उसके अपोजिट मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यूज को नेगेटिव में रखा जाता है. सारी वैल्यूज को लेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 1/F = 1/V - 1/U आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव में आएंगी क्योंकि आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ राय मेजर कर रहे हो. तो 1/V वुड बी -50, 1/U वुड बी -25. इसको सॉल्व करेंगे आपका जो वैल्यू है वो आएगी 1/50. आपको पहले ही हमने बता दिया था कॉन्वेक्स लेंस में प्लस में आता है, यहाँ पे भी प्रूव हो गया तो आंसर हैज टू बी ए. हो सकता है आपको कभी इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड करके पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए पावर निकालिए लेंस की, तो उस केसेस में आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल है. आपको फोकल लेंथ निकालना आ ही गया है तो फोकल लेंथ को अगर हम मीटर में एक्सप्लेन कर दें, जैसे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है दैट वुड बी इक्वल टू 0.5 मीटर, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर पावर ऑफ लेंस. इसके साथ ही पार्ट ए खत्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही अपना लाइक करिए, शेयर करिए कंटेंट को, सब्सक्राइब करिए और हम जल्दी ही पार्ट बी के क्वेश्चंस को लेकर आ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.